कलेक्टर सर्वोदय बहुत ही ईमानदार आदमी है और देश को ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है। 12 साल से लगातार अभिनय करता आ रहा हूँ, बहुत सारे टीवी शो किया मैंने और मूवी, 2 मूवी में मेन हीरो हूँ। एक मोदी जी के ऊपर आई रिलीज हुई थी मूवी, मोदी काका का गांव, जो मोदी जी के वर्किंग स्टाइल पे है कि मोदी जी किस तरह से अच्छे, जो डीएम, मैं फिल्म में डीएम का किरदार निभाया हूँ कि जो अच्छे डीएम है उसको मोदी जी किस तरह से सम्मानित करते हैं, मैंने इस चीज़ को दिखाने का कोशिश किया है फिल्म में। और पूरी हत्याकांड, नोटबंदी जो सफल कदम थे मोदी जी के, वो भी दिखाया गया है फिल्म में। 9 महीने तक सेंसर बोर्ड में फिल्म अटकी थी मोदी जी के एनओसी के लिए, फिर एनओसी मिला उनका और फिल्म रिलीज हुई। और सीरियल में क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी, ऐसे एपिसोडिक सीरियल सब कंटिन्यू करता ही रहता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टोरी किया है क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में, और गिनती कर पाना तो मुश्किल होगा क्योंकि 12 साल का कैरियर है, हमेशा कोई ना कोई नया काम करते ही आया हूँ। अभी लास्ट शूटिंग मैंने किया था नागिन 4 का, पर उसके बाद सब बंद हो गया था शूटिंग मुंबई में। गाँव बिहार मधुबनी जा रहा था तो यहाँ तक ट्रेन से आया, हमें आगे जाने का कोई साधन नहीं मिला, फिर मैं मुश्किल से ये होटल मिला रहने के लिए और यहाँ पे 23 मार्च से मैं रह रहा हूँ। 24 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन का न्यूज आया तो बहुत परेशानी हुई, यहाँ से सबको चेकआउट के लिए बोल दिया गया, फिर प्रशासन की हेल्प से यहाँ पे वापस रखा गया। और इतने दिनों में हमने काफ़ी कोशिश किया है घर तक पहुँचने के लिए, बिहार के मंत्री संजय झा जी जो वहाँ पे जल संसाधन मंत्री हैं उनका भी कॉल आया था, स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के उनका भी कॉल आया था, दिल्ली से एक MLA हैं उनका भी कॉल आया था, पर इन लोगों के कॉल आने के बाद भी कुछ भी सफल कदम नहीं हो पाया कि मैं अपने घर तक पहुँच पाऊँ। मैं अपने घर पे इसलिए पहुँचना चाहता था क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं तो मैं अपने PM के आदेश का पालन करते हुए घर जाने का कहीं सोचता भी नहीं, लेकिन मम्मी की वजह से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत जी देखिए, ये जो लॉकडाउन हुआ है बहुत ही ज़रूरी था और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत फैसला लिया, पहले देश में कोई फैसला नहीं ले पाता था कि ऐसे संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए। मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि इससे हमें वोट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उनको ही पता है कि इससे पब्लिक को तकलीफ होगी, पब्लिक को गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे पब्लिक वोट नहीं देंगे इसके लिए। उन्होंने वो किया है जो देश के लिए करना चाहिए था, जो देश की भलाई में उन्होंने तुरंत कदम उठाया और उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं किया। और वो जो भी कर रहे हैं वो हम अकेला हैं जो पूरे देश के लिए, जितना वो कर रहे हैं उतना और कोई नहीं कर रहा है। लॉकडाउन के लिए मेरा यही संदेश है कि लोग अपने ज़्यादातर अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगा करके जाएं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, जितना हम भीड़ से बच के रहेंगे उतना हमारी लाइफ सेफ रहेगी।